तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तू कहाँ जा रहा है? दूध खत्म हो गया चाय के लिए, दूध लेने जा रहा हूँ भल्ला से। कहाँ जा रहा है? हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। वो जी मैं चाय बनाने गया तो मैंने देखा दूध ही खत्म हो गया, तो मैंने सोचा दूध पीना है, दूध पीना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तू बात समझा कर मेरी। नहीं सुन तो दुनिया भी लेती है। हाँ तो मादर चोद उसको जाके बोल ना मुझे क्या बोल रहा है। आर यू कॉमेडी मी? वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ, मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ भी। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है। रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? गाड़ मराओ सबके सब। लक्ष्य तू भी मरा ले, मैं भी मरा ले, तो मैं जा रहा हूं। बाय। जय कामदेव। पत्नी रामदेव की शीश तो पति कामदेव का शीश। पत्नी बनाती वीडियो योग की और पति बनाता वीडियो संभोग की। मालूम ना तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब रिश्तेदार कैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मत भेजो, ये है पढ़ाई कराई कराओ, कल को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वो। तो जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, ये वो, फिर वो मिलते हैं भी आपसे? अब मैं नहीं मिलता भी हूँ। एक वो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को। सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मैंने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। माँ चूत गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक जा तो बेबी बोला आज मैं घर पे अकेली थी। तुम आ भी गए? वो क्या है ना, शुभ काम में देरी क्यों? ऐसे रहा नहीं जा रहा था, तड़प ही ऐसी है ना। सब क्या देखना पड़ रहा है? ये दिल आशिकाना, कैसा लगा मेरा मजाक? चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? आपको अच्छी लगी?
तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए।